हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीएससी एग्रीकल्चर जो कि 4 सालों का कोर्स है और इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं और हर सेमेस्टर का अलग अलग पेपर होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हैं, उनके सब्जेक्ट कोड क्या क्या हैं, वह सब जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी तो भरपूर मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट नंबर, नेम, कोर्स कोड और कोर्स टाइटल और जो मतलब क्रेडिट हावर्स हैं, यानी कितने घंटे हैं, क्या हैं, वो सब जानने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर टोटल ओवरऑल सब्जेक्ट की बात किया जाए, यानी इसमें ओवरऑल सब्जेक्ट की बात किया जाए फर्स्ट सेमेस्टर में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो फर्स्ट सेमेस्टर की बात की जा रही है। यहाँ पे आपको लिखा होगा, तो आप लोग यहाँ पे टोटल ओवरऑल सब्जेक्ट के बारे में आपको हम दिखा देते हैं कि एक सब्जेक्ट आप टोटल देख लेंगे तो 11 सब्जेक्ट हैं। तो 11 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वह सब इसमें जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू से देखते हैं। तो जो आपका यहाँ पहला सब्जेक्ट है वह है एग्रोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, है उसका एग्रोनॉमी, और उसका जो कोर्स कोड है वह है AGR 101, यानी एग्रोनॉमी में, और जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, यानी फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, जो यानी पहला सब्जेक्ट जो आपका है वह है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। उसके बाद आपको मतलब दूसरा सब्जेक्ट आप लोग, और उसके बाद एग्रीकल्चर हेरिटेज आप लोग यहाँ पे देख, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी और एग्रीकल्चर हेरिटेज, यह जो दोनों सब्जेक्ट हैं या आपके एग्रोनॉमी के अंतर्गत आते हैं, यानी एग्रोनॉमी से रिलेटेड, यानी एग्रोनॉमी ही है उसमें। आप लोग यहाँ पे इसके कोर्स कोड को भी देख सकते हैं। तो ये तो दो एग्रोनॉमी हो गए, बस इनके बुक अलग अलग रहेंगे, इनके सिलेबस भी अलग अलग रहेंगे। उसके बाद आपका जो अगला सब्जेक्ट यानी जो तीसरा है आपका इंग्लिश है, और इंग्लिश में क्या है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश के बारे में ही है, यानी इंग्लिश की पढ़ना। उसके बाद जो आपका चौथा सब्जेक्ट है वह एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में बताया गया है, और इसमें आपको पढ़ना है कि रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशन फिजियोलॉजी, और इसके बारे में इसका जो सब्जेक्ट कोड है आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट कोड भी देख सकते हैं। और आपका जो उसके बाद पचवा जो है वह है जेनेटिक एंड, पचवा भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ही है, और इसमें ह्यूमन वैल्यूज एथिक्स के बारे में पढ़ना आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद जो अगला है वह है जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग है, उसके बारे में आपको पढ़ना है कि फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक। उसके बाद फिर आपका सातवां है आप लोग देख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आठवां देख सकते हैं इंट्रोडक्टरी एग्रो एंट्रेमोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपका जो नौवां है वह है फंडामेंटल ऑफ सॉयल साइंस। और उसके बाद जो दसवां है यह है बायोलॉजी और मैथ, यानी दोनों में से आपको केवल एक है पढ़ना है, यानी आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप बायोलॉजी पढ़िए, अगर आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ पढ़िए। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा NCC, NSS और फिजिकल एजुकेशन, आपको इन तीनों में से जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिलेबस के बारे में बता दिए हैं, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए कि कौन कौन से सिलेबस हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं। तो दोस्तों, अब हम हमारे इस चैनल पे एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बुक्स हैं, उनके जितने भी टॉपिक आपको पढ़ना है, टॉपिक वगैरह जब आप बीएससी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, तो जितने भी टॉपिक हैं उन सभी के नोट्स और उनको कैसे समझाना, कैसे पेपर में लिखना, वह सब आपको इस चैनल पे अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।